ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सुधीर ने कार खरीदने के लिए अजय से दो लाख रुपए, आठ प्रतिशत वार्षिक दर से चार वर्ष के लिए उधार लिए शर्त यह थी कि प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष का ब्याज जमा करना होगा पहले वर्ष उसे ब्याज के सोलह हजार रुपए जमा कराने थे लेकिन किसी कारण से वह यह राशि नहीं जमा करा पाया अगले वर्ष वह बकाया राशि व इस वर्ष का ब्याज जमा करने के लिए अजय के पास गया अजय ने सुधीर से कहा तुम्हें दोनों वर्षों का ब्याज मिलाकर तैतीस हजार दो सौ अस्सी रुपए देने होंगे सुधीर ने कहा कि दो वर्षों का ब्याज मिलाकर सोलह हजार धन सोलह हजार बराबर बत्तीस हजार रुपए होते हैं अजय ने कहा हम आपसे कोई अतिरिक्त रुपए नहीं ले रहे हैं यह तो पिछले साल नहीं चुकाए गए ब्याज पर ब्याज है यह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है